ಅಯಶೂಲ ದಂಡಾಜನಾಭ್ಯಾಂ ಠಕ್ ಠಯೋ ಅಯಶೂಲ ದಂಡಾಜನಾಭ್ಯಾಂ ಠಕ್ ಠಯೋ ಅಯಶೂಲ ದಂಡಾಜನಾಭ್ಯಾಂ ಪಂಚಮಿ ಗದಿವಚನ್ ಠಕ್ ಠಯೋ ಪ್ರಥಮ ಗದಿವಚನ್ ತೀಕ್ಷ್ಣೋಪಾಯ ಅಯಶೂಲಂ ಅಯಶೂಲ ಕಾರ್ತೋತಾ ಹೇ ಅಯ ಮನೆ ಲೋಹ ಶೂಲ ಮನೆ ದರ್ದ ಲೋಹೆ ಸೆ ದರ್ದ ಈ ಅರ್ಥ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಹೋತಾ ಹೇ ಲೇಕಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರ್ಥ ಯಾಕೆ ಅಯಶೂಲ ಕಾರ್ಥ ಹೇ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಉಪಾಯ ಕಠಿಣ ಉಪಾಯ ಕರ್ನ ಖತರ್ನಾಕ ಉಪಾಯ ಅಪನಾನ ಉಸೋ ಕತೆ ಅಯಶೂಲ್ ಅವ್ರ ದಂಡಾಜಿನ ಶಬ್ದ ಏನಿಗೆ ದಂಡ ಅವನ ಹಾತ್ ಮೇಲೆ ಹೋವೆ ಏಕ್ ಅಜೀನ್ ಚಮಡೆ ಕಾಸನ್ ಲೇಕಿ ಘುಮನೆ ಫಿರನೆ ವಾಲ ಮಹಾತ್ಮ ದಂಡಾಜಿನ್ ಈ ಅರ್ಥನೇ ಯಾ ಯಾ ದಂಡಾಜಿನ ಶಬ್ದ ಢೋಂಗಿ ತೀಕ್ಷ್ಣೋ ಉಪಾಯೋ ಅಯಶೂಲ ತೇನ ಅನ್ವಿಚ್ಛತಿ ಪೂರ್ವಸೂತ್ರ ಅನ್ವಿಚ್ಛತಿ ಆಯ ಪಾರ್ಶ್ವ ಅನ್ವಿಚ್ಛತಿ ಸೆ ಅನ್ವಿಚ್ಛತಿ ಸ ಅರ್ಥ ಮೇ ಜೋ ಹೇ ಅಯ ಶೂಲಿಕ ಠಕ್ ಹೋಗ್ಯ ತೋ ಆಯಶೂಲಿಕ ಅಯಶೂಲೇನ ಅನ್ವಿಚ್ಛತಿ ಅಯಶೂಲೇನ ಅನ್ವಿಚ್ಛತಿ ಇತಿ ಆಯಶೂಲಿಕ ಸಾಹಸಿಕ ಮನೆ ಕಠಿಣ ಉಪಾಯ ಕಠೋರ ಉಪಾಯ ಟೇಡೆಮೇಡೆ ಉಪಾಯ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಉಪಾಯ ಭಯಂಕರ ಉಪಾಯ ಈ ಸಬ್ ಗ್ರಹಣ ಕೌನ್ ಕರ್ತಾ ಹೇ ಜಿಸ್ಕೆ ದಮ್ ಹೇ ಸಾಹಸ ಹೇ ಸಾಹಸಿಕ ಪುರುಷ ಕೋ ಕಹತೆ ಹಮ್ ಆಯಶೂಲಿಕ ಅರ್ಥ ನಿರ್ದೇಶ ಸಾಹಸಿಕ ಅರ್ಥ ನಿರ್ದೇಶ ದಂಡಾಜಿನಂ ಮನೆ ದಂಭ ತೇನ ಅನ್ವಿಚ್ಛತಿ ಇತಿ ದಂಡಾಜಿ ಠಯ ಹೋಗ್ಯ ದಂಡಾಜಿನ ಶಬ್ದ ರೂಢ ಹೋಗ್ಯ ದಂಭ ಮೇ ಢೋಂಗ್ ಮೇ ಉಸ್ಕೆ ದ್ವಾರ ಅನ್ವಿಚ್ಛತಿ ಇತಿ ದಂಡಾಜಿನಿಕ तो ठय होने से आदिवृद्धि ठा को एकादेश रूप बन गया दांडाजिनी का भाष्यकार कहते देखो अयशूलम इव अयशूलम ऐसा अर्थ करना अनवचित इत्यर्थ संज्ञार्थ हो तो रूढ़ो ठक ठय स्था इत्यर्थ सासम इत्यर्थ यो मृदुना युक्न अन्वेष्टव्यान अर्थान तीक्ष्णोपायन अन्विच्छति स अयशूलिक इति भाष्यम जो सरल उपाय हल्के उपाय से ही जो अन्वेषण करने योग्य वस्तु है उनको तीक्ष्ण उपाय के द्वारा अन्वेषण करने वाला अयशूलिक कहा जाता है जो बिना ढोंग किए ही सीधे साधे तरीके से प्राप्त होने योग्य है आप सीधे जाओ बोलो तो मिल जाएगा लेकिन पूरे ढोंग रच के जाएंगे प्राप्त करने के लिए उसको कहते हैं दांडाजी ने कहा तदा तीक्ष्ण उपाय इत्यादि ದಂಡಾಜನ ದಂಭ ಇತಿ ದಂಭಾರ್ಥತ್ವಾತ್ ದಂಡಾಜನ ಶಬ್ದ ದಂಭೆ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಇತಿ ಭಾವ ತಾವತಿತಂ ಗ್ರಹಣಂ ಇತಿ ಲುಗ್ವಾ ತಾವತಿತಂ ಗ್ರಹಣಂ ಇತಿ ಲುಗ್ವಾ ತಾವತಿತಂ ಪ್ರಥಮಿಕ ವಚನಾಂತ ಗ್ರಹಣಂ ಪ್ರಥಮಿಕ ವಚನಾಂತ ಇತಿ ಅಪ್ಪಿ ಲುಕ್ ಪ್ರಥಮ ಏಕವಚನ್ ವಾ ಅವ್ಯಯ ತಾವತಿತಂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸವಿಗೋಲೇನ ಒತ್ತೆ ರಿಥುಕ್ ಆಯ್ತಾನ ಒತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಯ ಇಥುಕ್ ಪ್ರತಿ ಹೋತ ಅವಧಿಗೆ ಪರ್ಯ ಪೂರ್ಣಾರ್ಥ ಮೇ ಥಾ ತಾವತ್ ಶಬ್ದ ಹೇನ ತದಸ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮಿತಿ ತಾವತ್ ಉಸೆ ಇಥುಕ್ ಹೋಗ್ಯ ತಾವತ್ ಇಹ ಬನ ಇಸೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತ್ಯಯ ಜಿತ್ನೆ ಭೀ ಹೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಭೂತ್ ಉನ್ಸೆ ಕ್ಯಾ ಹೋಗ ಕಹತೆ ಗ್ರಹಣ ಇಸ್ ಅರ್ಥ ಮೇ ಹೋತೋ ಕನ್ ಸ್ಯಾತ್ ಕನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹೋಗ और जो पूर्ण प्रत्यंत अपने किए थे वह लुक वास्या कन स्यात और पूर्ण प्रत्यय से लुक वास्यात जैसे द्वितीय शब्द है ये पूर्ण प्रत्यंत है ना द्वि और त्रि शब्दों से तीय प्रत्यय अपने किया था द्वितीय तृतीय रूप बनाए थे त्रय संसारण चका था तृतीय बना पूर्ण प्रत्यंत द्वितीय शब्द है उससे आपने क्या करना है कन प्रत्यय करेंगे किस अर्थ में ग्रहणम अर्थ में अर्थ वही रहेगा जो आ रहा है यहाँ ग्रहण मिति बोल दिया ना अर्थ विशेष निर्देश कर दिया पहले अनविच्छति आ रहा था पहले जो आ रहा था वो था अनविच्छति उसे काट करके न कर दिया ग्रहण मिति अर्थ में करो तावताम पूर्णमित तावतीतम पूर्ण प्रत्यांत मित्यर्थ तृतीय अर्थ में प्रथमा हुई है क्योंकि ग्रहण मिति भावे लुड़ंत है इसे तृतीया लानी पड़ेगी वहाँ तावतीतेन मैंने पूर्ण प्रत्यांतेन ತೃತ್ಯಾಂತಾತ್ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತ್ಯಂತಾತ್
ग्रहणम इस अर्थ में कम स्यात् पूर्ण प्रत्यक्ष लोभा ये अर्थ हो जाती थे प्रत्याह। इन सबको मन में रखते संक्षेप में कह दिया मूल में कम स्यात् पूर्ण प्रत्यक्ष चलुगवा। द्वितीयकम कन प्रत्यय हो गया और पूर्ण प्रत्यय विद्यमान अभी है, जब लुक नहीं हुआ तब तीय है यहाँ पर द्वितीयकम। जब तीय लुक हो जाए तो विकम रूप बनेगा। द्वितीयकम विकम व ग्रहणम देवदत्तस्य, देवदत्त का यह दूसरे बार ग्रहण करना हुआ, दूसरा ग्रहण है यह अर्थ। एक बार लिया दोबारा ले लिया, को होते हैं महात्मा में भी ऐसे गंदे विचार वाले हैं, घटिया विचार वाले। जब यहाँ भंडारा हुआ था उद्घाटन में, हमने महात्माओं को फल खड़ी भिक्षा का पर्ची थी, आओ ले करके जाओ, झंझट खत्म। ऊपर भी तरह जगह वगैरह नहीं था ना पहले, इतना ये भी खुला था सब, इसे हमने कहा ला और ले जाओ, कहीं से ना ये बैठे हों बंदर आ से घुस जाए चार बंदर, फिर सब नाचने लग जाएंगे, दिक्कत होगी। इसे हमने आइए भी चले, फिर बाद में कोई आते तो उनको बैठ गए, कईयों ने इनको पता लग गया, बाद में बैठ के भी खाने को मिलता है, खड़ी में ले लिए दक्षिणा भी भिक्षा भी सब लिए, और उसको पास में कहा गया कहीं यहीं कहीं रख दिए, और फिर आके बैठ गए पंगते बैठ के भी खाए और दक्षिणा भी लिए। हम पहचान रहे हैं तो ये सब तो खड़ी लाइन में थे, क्या कहें, कहने से क्या, ये जाने के कर्म जाने पाप जाने पुण्य जाने ये जाने, हमने तो दक्षिणा दिया खाना भी दिया, जाओ भैया। लोग इस तरह के होते। द्वितीय का द्विकाह कहा जाएगा इनको, द्वितीय का द्विकाह। दो बार में ग्रहण करना, दो बार में नहीं, दो बार में नहीं, द्वितीय दूसरा ग्रहण करना, दूसरा बार ग्रहण करना। एक बार दो बार में ग्रहण किया, एक बार में आप खा नहीं सकते, बीमार आदमी है, अभी थोड़ा खाया दो घंटे बाद थोड़ा खाया, दो बार में एक ही भोजन खाया ना, वो हो नहीं है यहाँ पर। पूर्ण प्रत्यंतर दूसरा है, जो बार में नहीं है ना, यहाँ तो बार अर्थ में नहीं ना, अभ्यावृत्ति नहीं है ना यहाँ, यह पूर्ण अर्थ में है ना, दूसरा ये अर्थ है यहाँ, दो बार नहीं दूसरा। एक बार हो गया, बार अपशब्द बोल लेंगे लेकिन हिंदी में बोल लेते हम लोग, बार नहीं बोलना है, पूर्ण प्रत्यंत बार शब्द प्रयोग नहीं होगा। भाषा होते हैं अभ्यावृत्ति में, संख्या प्रतिगण कृत सूच होता है ना, वह होता है। यह पर तीय प्रति उस अर्थ में नहीं है ना, ये तो पूर्ण अर्थ में है, अभ्यावृत्ति अर्थ में है नहीं, वहाँ तो कृत सूच सूच होता है। द्वि द्वि करोति सूच प्रत्यय हो गया, द्वित्रिभ्याम सूचवा क्रिया है अभ्यावृत्ति ग्रहण ने, कृत सूच होता है पंचकृत्वा, मैंने पाँच बार में वो क्रिया की अभ्यावृत्ति अर्थ होता, या क्रिया की अभ्यावृत्ति नहीं कर रहे पूर्णार्थ के और ग्रहणार्थ में। द्वितीय न रूपेण ग्रहणम इत्यर्थ, दूसरे रूप से ग्रहण कर लिया है ना, वही हो ना, पहले खड़ी भिक्षा कर में ग्रहण कर लिया, फिर बैठे भिक्षा में भी ग्रहण कर लिया, दूसरे रूप से ग्रहण कर लिया। तावत इतेन गृहणादीति कन वक्तव्यो नित्यं च लुक, तावत इतेन गृह्णाति इति कन वक्तव्यो नित्यं च लुक्। षष्ठेन रूपेण गृह्णाति पूर्ण प्रत्यांत षट शब्द तृतीयांत समर संबंध से गृह्णाति तर्थ में जो है कन प्रत्यय हो गया, और कन प्रत्यय को नित्य च लुक, नित्य लुक भी हो जाएगा। षट को देवदत्त षष्ठा था ना, पूर्ण प्रत्यय का नित्य लुक हो गया, षष्ठ में क्या था डट और थुक था, थुक वो थुक कल भी लुक हो गया, डट भी लुक हो गया, पूर्ण प्रत्यय चला गया, शश बच गया, इधर कन प्रत्यय बच गया, शशकह बना, और शशकह का शकार को जलांशु खरीच ट षटक देवदत्त पंचक देवदत्त इत्यादि, पूर्ण प्रत्यय का लुक नित्य हो जाता है। तदंत पूरे का लुक नहीं करना, तदंत पूरा लुक करो तो क्या होगा, केवल का प्रत्यय बच जाएगा, केवल का प्रत्यय बचेगा, इसे पूर्ण प्रत्यय मात्र का लुक करना है, हमने पूर्ण प्रत्यांत का लुक नहीं करना है। स एषाम ग्रामणी ही, स एषाम ग्रामणी ही, स प्रथमेक वचनांत, एषाम सृष्टि के बहुवचन, ग्रामणी ही प्रथमा का एक वचन,
ದೇವದತ್ತೊ ಮುಖ್ಯ ಯಶಾಂ ಇತಿ ದೇವದತ್ತಗಾಹ ಸ ಯಶಾಂ ಗ್ರಾಮಣಿ ವಹ ಇಸ್ ಗಾಂವ್ ಕಾ ಇಸ್ ಜನತಾ ಕಿ ಜೋ ನೇತಾ ಹೈ ಗ್ರಾಮಣಿ ಮನೆ ನೇತಾಜಿ ನಯನ ಕರ್ನೆ ವಾಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರಧಾನ ಪಟೇಲ್ ಹೈ ನಾ ಏ ಪಟೇಲ್ ಬೋಲ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರಧಾನ ನೀ ಯಾಕೆ ಕಹತೆ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರಧಾನ ಕೈ ಬೋಲ್ತೆ ನಂಬರ್ದಾರ್ ಕೌನ್ ಹೈ ನಂಬರ್ದಾರ್ ಸಮಯ ಸೋಚಾ ನಂಬರ್ದಾರ್ ಗುಂಡಾ ಬದಮಾಶ ಹೋಗಾ ನಂಬರ್ದಾರ್ ಬಾದ ಪತಾ ಚಲ ನಂಬರ್ದಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರಧಾನ ಬೋಲ್ತೆ ಹರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪನ ಅಲಗ ಅಲಗ ಸಂಖ್ಯಾ ದೇ ರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಾ ಬೋಲ್ತೆ ಮುಖ್ಯಾ ಹೈ ಘರ್ ಕಾ ಮುಖ್ಯಾ ಹೈ ಗಾಂವ್ ಕಾ ಮುಖ್ಯಾ ದೇವದತ್ತೋ ಮುಖ್ಯ ಯಶಾಂ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಾಮಣಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಹೈ ಮುಖ್ಯ ದೇವದತ್ತಿ ಹೈ ಯಶಾಂ ಪರಿವಾರ ಕೆ ಲೋಕಂ ಕಾ ಗ್ರಾಮಣಿ ಮನ ಮುಖ್ಯ ಹೈ ಇತಿ ದೇವದತ್ತಗಾಹ ತ್ವಂ ಮುಖ್ಯೋ ಯಶಾಂ ಇತಿ ತತ್ಕಃ ಅಹಂ ಮುಖ್ಯೋ ಯಶಾಂ ಇತಿ ಮತ್ಕಃ ಯಸ್ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂಗೆ ಪ್ರತ್ಯೋತ್ತರ ಪದೋಶ್ಚ ಇಸುಸತ್ವ ಔರ್ ಮಾದಿಶ ಹೋ ಗ್ಯಾ ತತ್ಕಃ ಮತ್ಕಃ ರು ಬನಾಯ ಸಿಲಿ ತತ್ಕಃ ಬಹುವಚನ್ ಮತ್ಕಃ ಶೃಂಖಲಮಸ್ಯ ಬಂಧನಂ ಕರಭೇ ಶೃಂಖಲಮಸ್ಯ ಬಂಧನಂ ಕರಭೇ ಶೃಂಖಲಂ ಪ್ರಥಮೇಕವಚನಾಂತ್ ಅಸ್ಯ ಷಷ್ಠಿ ಏಕವಚನಂ ಬಂಧನಂ ಪ್ರಥಮೇಕವಚಾಂತ್ ಕರಭೇ ಸಪ್ತಮಿಕ ಏಕವಚನ ಶೃಂಖಲಾ ಅಸ್ಯ ಬಂಧನ ಮನೆ ಅಸ್ಯ ಬಂಧನ ಇಸ್ ಅರ್ಥ ಮೇ ಶೃಂಖಲಾ ಶಬ್ದ ಸೆ ಕನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹೋತಾ ಹೈ ಜಬ್ ವಹ ಬಂಧನ್ ಕರಭ ಕ ಸಂಬಂಧಿ ಹೋ ಕರಭ ಹೈ ಷಷ್ಠಿ ಅರ್ಥ ಮೇ ಸಪ್ತಮಿ ಹೈ ಬಂಧನಂ ಕರ್ಣ ಮೇಲೆ ಉಠೆ ಅಸ್ಯ ಕರಭಸ್ಯ ಶೃಂಖಲಂ ಬಂಧನಂ ಇಸ್ ಕರಭ ಕಾ ಯಹ ಶೃಂಖಲ್ ಬಂಧನಾರ್ಥ ಹೈ ಇಸ್ ವಿಗ್ರಹ ಮೇ ಬಂಧನ ವಿಶೇಷಣ ಶೃಂಖಲ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ ಪ್ರಥಮ ಸಮರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಸ್ಯ ಕರಭಸ್ಯ ಇಸ್ ಅರ್ಥ ಮೇ ಕನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ ಶೃಂಖಲಕಃ ಕರಭಃ ಅಂದರೆ ಶೃಂಖಲಿನ ಬದ್ಧ ಕರಭಃ ಕರಭಃ ಕಿಸೋ ಕತೆ ಹೇ ಬಾಲ ಉಷ್ಟ್ರ ಬಾಲ ಊಂಟ್ ಕ ನಾಮ ಕರಭ ಗಾಯ ಊಂಟ್ ಇನ್ ಸಬ್ ಮೇ ಹೀ ಕಾಮ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಗರ್ದನ್ ಮೇ ಡಂಡಾ ಬಾಂಧ್ ದೇತೆ ಜಬ್ ಬಛಡಾ ಬಛಡಿ ಯಾ ಊಂಟ್ ಕಾ ಬಛಡಾ ಯೇ ಸಬ್ ಕ್ಯಾ ಉಛಲ್ತೆ ಜಾದಾ ಕುತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ ಪುಲ್ಟಾ ಭಾಗದೇ ರಹತೆ ಇಧರ್ ಉಧರ್ ರೋಕೆಂಗೇ ಕೈಸೆ ಪಕಡ ಮೇ ನೀ ಆತಿ ಇತನಾ ತೇಜಿ ಸೇ ಭಾಗದೆ ರಹತೆ ಜಬ್ ಮಾ ಕಾ ದೂಧ ಪೀನ ಆ ಜಾತಾ ಉಸೆ ಪಕಡ ಲೇತೆ ಔರ್ ಗಲೆ ಮೇ ಡಂಡಾ ಬಾಂಧ್ ಲೇಂಗೇ ಜಬ್ ಕೂದೇಗಾ ಡಂಡಾ ಇಧರ್ ಉಧರ್ ಹಿಲೇಗಾ ನಾ ಉಸೀ ಕೆ ಘುಟ್ನೋ ಮೇ ಚೋಟ್ ಲಗತಾ ಹೈ ದರ್ದ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಔರ್ ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಉಛಲನಾ ಬಂದ್ ಕರ ದೇತಾ ಹೈ ಸೀದಾ ಚಲತಾ ಹೈ ಸುಖ ಪತಾ ಹೈ ಯದಿ ಉಛಲೂಂಗಾ ತೋ ಮಾರೇಗಾ ಚೋಟ್ ಲಗೇಗಾ ತೇ ಬುದ್ಧಿ ಆ ಜಾತಿ ಜೋತಾ ಜಾ ಚೋಟ್ ಖಾತಾ ಹೈ ಫಿರ್ ಬುದ್ಧಿ ಆ ಜಾತಿ ಉಸ್ಕೋ ಯೇ ಉಛಲನಾ ನಹೀ ಚಾಹಿಯೇ ಸೀದೆ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ ಉಸ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಬಾಂಧಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಉತ್ಕಃ ಅಬ್ ಆತಾ ಹೈ ಉತ್ಕ ಉನ್ಮನಾಹ ಉತ್ಕ ಉನ್ಮನಾಹ ಉತ್ಕ ಪ್ರಥಮೈಕ ವಚನಾಂತ್ ಉನ್ಮನಾಹ ಪ್ರಥಮೈಕ ವಚನಾಂತ್ ಉದ್ಗತ ಮನಸ್ಕ ವೃತ್ತಿ ಉಚ್ಛಬ್ದ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಕನ್ ಸ್ಯಾತ್ ಉತ್ಕಂಠಿತ್ ಮನ್ವಾಲ ಐಸಾ ಅರ್ಥ ಮೇ ಉತ್ತಿಸ್ ಉಪಸರ್ಗ ಸೆ ಕನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೀದೆ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ ರುಬಂತ ಹೈ ಉತ್ಕಃ ಅರ್ಥ ಉಸ್ಕಾ ಹೈ ಉನ್ಮನಾಹ ಮನೆ ಉತ್ಕಂಠಿತ ಉತ್ಕಂಠಿತ ಹೇ ಜಾನ್ನಿ ಕಿ ಇಚ್ಛಾ ನೀ ಹೈ ಜಾನ್ನಿ ಕಿ ಇಚ್ಛಾ ಉತ್ಕಂಠ ನೀ ಹೋತಾ ಹೈ ಉತ್ಕಂಠ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಚ್ಛಾ ಮೇ ಹೋತಿ ಹೈ ತೀವ್ರ ಇಚ್ಛಾ ಉಸ್ಕು ಉತ್ಕಂಠ ಕಹತೆ ಅಬ್ ಕಿಸ್ ವಿಷಯ ಮೇ ತೀವ್ರ ಇಚ್ಛಾ ಹೈ ವೋ ಅಲಗ್ ಬಾತ್ ಹೈ ಜ್ಞಾನ ಕೆ ಪ್ರತಿ ತೀವ್ರ ಇಚ್ಛಾ ಹೈ ಕಿ ಭಕ್ತಿ ಕಿ ತೀವ್ರ ಇಚ್ಛಾ ಹೈ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಕಂಠ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಉತ್ಕಂಠ ಭಕ್ತಿರ ಗರಿಯಸಿ ಅತ ಭಾಗವತ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಪ್ರತಿ ಜೊ ಉತ್ಕಂಠ ಹೈ ಓ ಭಕ್ತಿ ಗರಿಯಸಿ ಸಬ್ ಸಾಧನ ಮೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಉತ್ಕಂಠ ಕ್ಯಾ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಇಚ್ಛಾ ತೋ ಹೈ ನೀ ವಹಾ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಭಕ್ತಿ ಕಿ ತೀವ್ರ ಇಚ್ಛಾ ಉತ್ಕಂಠ ಕ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಸೆ ಉತ್ಕಂಠಿತ ಮನೆ ಮನ್ ಉತ್ಕಂಠಿತ ಹೋ ಗ್ಯಾ ಉತ್ ಉಪಸರ್ಗ ಕಾರಣ ಉತ್ ಉಪಸರ್ಗ ಕನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಕರ್ಣ ಹೈ ರೂಪ ಬನೆಗಾ ಅಮರ ಉತ್ಕಾ ಇತನಾ ಹೀ ಹೈ ಉತ್ಕಾ ಕಿಸ್ ಅರ್ಥ ಮೇ ಹೋನಾ ಉನ್ಮನಾಹ ಅರ್ಥ ಮೇ ಉನ್ಮನಾ ಉದ್ಗತ ಮನಸ್ಕ ವೃತ್ತೆ ಹೇ ಉದ್ಗಮನ್ ಕರ್ ರಾ ಹೈ ಮನ್ ಕಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಕೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಕಂಠಿತ ಹೋನಾ ಇಸ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಕರ್ದಿ ಹಾಗೆ ಉತ್ಕಂಠಿತ ಇತ್ಯರ್ಥ ಕ
ಕಾಲ ಪ್ರಯೋಜನಾದ ರೋಗೇ, ಕಾಲ ಪ್ರಯೋಜನಾದ ರೋಗೇ, ಕಾಲ ಅವ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ಇನ್ ದೋನಕ್ಕೆ ಸಮಾರ್ಥ ದುಬಾಯ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ವಚನಾತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ವಚನಾಚ ಕನ್ ಸ್ಯಾದ್ ರೋಗೇ. ಕಾಲ ವಚ ವಾಚಕ ಶಬ್ದ ಸೇ ಪ್ರಯೋಜನ ವಾಚಕ ಶಬ್ದ ಸೇ ಬಿ ಕನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹೋತಾ ಹೇ ರೋಗ ಅರ್ಥಗೆ ಮಾನ ಹೋತೋ. ದ್ವಿತೀಯ ಅಹನಿ ಭವ ಇದು ದ್ವಿತೀಯಕೋ ಜ್ವರ. ಕಾಲ ಪ್ರಯೋಜನಾತ್ ಪಂಚಮೇಕ ವಚನ ರೋಗೇ ಸಪ್ತಮೇಕ ವಚನ ಥ. ದ್ವಿತೀಯ ಹಾನಿ ಭವ ದೂಸರೆ ದಿನ ಮೇ ಹೋನೆ ವಾಲ ಹರ ದೂಸರೆ ದಿನ ಮೇ ಹೋ ರಾ ಜ್ವರ. ಆಜ ಬುಖಾರ ಹೇ ಕಲ್ ನೀ ಹೇ ಫಿರ್ ಪರ್ಸುಕ್ ಫಿರ್ ಆ ಗಯಾ ಫಿರ್ ತರ್ಸುಕ ನೀ ಫಿರ್ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಆ ಗಯಾ. ಐಸೆ ಹರ ದೋ ದೋ ದಿನ ಪೇ ಬಾರಂಬಾರ ಬುಖಾರ ಜೋ ಆತಾ ಹೇ ಉಸ್ ಬುಖಾರ ಕೋ ಕಹೆಂಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಕಾ ಜ್ವರ. ದ್ವಿತೀಯ ಶಬ್ದ ಸೇ ಕನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹೋ ಗಯಾ. ಆಪ್ ಕಹೆಂಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಶಬ್ದ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ಮೇ ಆಯಾ ಥಾ ಕಾಲವಾಚಕ ತೋ ಹೇ ನೀ. ಆಪನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಶಬ್ದ ಕೈಸೆ ಕರ್ ದಿಯಾ ಕಾಲವಾಚಕ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮೇ. ತೇ ಬಾತ್ ಸಹಿ ಹೇ ಲೇನೆ ವಾ ಲಕ್ಷಣ ಕರ್ ಲೇಂಗೆ ಯದಿ ದ್ವಿತೀಯ ಶಬ್ದ ಕಾಲವಾಚಿ ನೀ ಹೇ. ತಥಾಪಿ ಅರ್ಥ ಔರ್ ಪ್ರಕರಣಾದಿಕೆ ದ್ವಾರ ವೃತ್ತಿಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ವೋ ಕಾಲವಾಚಕ ಬನ್ ಗಯಾ ಕಾಲ್ಮೇ ಅನುವೃತ್ತ ಹೋ ಗಯಾ. ಪ್ರಯೋಜನ ಮನೆ ಕಾರಣ ರೋಗಸ್ಯ ಫಲಂ ವಾ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಪ್ರಯೋಜನ ಕದ್ದು ಅರ್ಥ ಹೋತಾ ಹೇ ಕಾರಣ ಯಾ ಫಲ್. ಪ್ರಯೋಜನ ಕತೆ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಫಲ್ ಕೋ ದೋನೋ ಕಾ ನಾಮ ಪ್ರಯೋಜನ. ಇನ್ ದೋನೋ ಅರ್ಥವೋ ಮೇ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಲೇನಾ ಇಸಿಲಿಯೇ. ವಿಷ ಪುಷ್ಪೈರ್ ಜನಿತಃ ಕಾರಣಾರ್ಥ ಮೇ ಆರ್ ವಿಷಪುಷ್ಪಕಃ ವಿಷಪುಷ್ಪಕಃ ಕಾರ್ಯತ್ಗೆಲೆ ಉಷ್ಣಂ ಕಾರ್ಯಂ ಅಸೀತಿ ಉಷ್ಣಕಃ. ಉಷ್ಣ ಹೇ ಕಾರ್ಯ ಜಿಸ್ಕಾ ಗರಂ ಕರ್ನ ಏ ಕಾರ್ಯ ಜಿಸ್ಕಾ ಖಾತೆ ಗರ್ಮಿಯಾಗಿ ಶರ್ ಬದಾಮ ವಗರ. ಉಷ್ಣಂ ಕಾರ್ಯಂ ಅಸ್ಯ ಇತಿ ಉಷ್ಣಕಃ. ವಿಷಪುಷ್ಪಂಸಿ ಜನಿತ್ ತೆ ವಿಷಪುಷ್ಪಕ ಉಸೇ ಜನಿತ ಜೋ ರೋಗ ಆದಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ ರೋಗ ಮೇ ಲೇನಾ. ಉಷ್ಣಕ್ ಭಿ ರೋಗ ಇಪ್ಪಿತ್ತು ಪಡ ಗಯಾ ರೋಗ ಹೋ ಗಯಾ. ರೋಗಿ ಕಿಂ ದ್ವಿತೀಯೋ ದಿವಸೋ ಅಸ್ಯ ಇಸ್ಕೆ ದೂಸರಾ ದಿನ ಹೇ ಭಾಯಿ. ರಹ ರಾಯ ಆಶ್ರಮ ಮೇ ನಿಯಮ ಹೇ ಆಶ್ರಮ ಹೋಂಗಾ ಕೋಯಿ ಭಿ ಆಯ್ ತಿನ್ ದಿನ ತಗ ರಹೋ ಕಿತನೆ ದಿನ ಹೋಗಿ ಆಯ ಹೋಗೇ ಇದು ದೂಸರಾ ದಿನ ಹೇ ಯೇ ದ್ವಿತೀಯೋ ಅಸ್ಯ ದೇವ. ಯಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ನೀ ಹೋಗಿ ರೋಗ ಅರ್ಥ ನೀ ಯಾ ಪರ್ ವಾಸಾದಿ ಅರ್ಥ ಹೇ. ತದಸ್ಮಿನ್ ಅನ್ನಂ ಪ್ರಾಯೇ ಸಂಜಾಯಾಂ ತದಸ್ಮಿನ್ ಅನ್ನಂ ಪ್ರಾಯೇ ಸಂಜಾಯಾಂ ತದ್ ಪ್ರಥಮೇಕ ವಚನಾಂತ್ ಅಸ್ಮಿನ್ ಸಪ್ತಮೇಕ ವಚನ್ ಅನ್ನಂ ಪ್ರಥಮೇಕ ವಚನಾಂತ್ ಪ್ರಾಯೇ ಜೋ ಹೇ ಸಪ್ತಮೇಕ ವಚನ್ ಸಂಜಾಯಾಂ ಸಪ್ತಮೇಕ ವಚನ್. ಪ್ರಥಮಾಂತ ಸಪ್ತಮ್ಯರ್ಥ ಕನ್ ಸ್ಯಾದ್ ಯತ್ ಪ್ರಥಮಾಂತಂ ಅನ್ನಂ ಚೇತ್ ಪ್ರಾಯ ವಿಷಯಕಂ ತಾತ್. ಪ್ರಥಮ ಸಮರ್ಸಮಂತಂಸೆ ಸಪ್ತಮ್ಯರ್ಥ ಮೇ ಕನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹೋತಾ ಹೇ. ಯದಿ ವ ಪ್ರಥಮಾಂತ ಅನ್ನವಾಚಕ ಹೋತೋ ಔರ್ ವಹ ಬಿ ಪ್ರಾಯ ವಿಷಯಕ ಹೋತೋ. ಗುಡಾಪೂಪಾಹ ಪ್ರಾಯೇಣ ಅನ್ನಂ ಅಸ್ಯಾಮಿತಿ ಗುಡಾಪೂಪಿಕಾ ಪೌರ್ಣಮಾಸಿ. ಗುಡ್ ಸೆ ಬನಾವ ಮಾಲ್ಪುವ ಪ್ರಾಯ ಹೋತಾ ಹೇ ಜಿಸ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೇ ಉಸ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕೋ ಕಹಾ ಜಾಯೇಗಾ ಗುಡಾಪೂಪಿಕಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ಶ್ರಾವಣಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಬಿಹಾರ ಮೇ ಶ್ರಾವಣಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಾ ದಿನ ನಿಶ್ಚಿತ ರೂಪಣ ಸಬ್ ಲೋಕ ಬನಾತೆ ಮಾಲ್ಪುವೆ ಗುಡ್ ಡಾಲ್ಗೆ ಬಡಿಯಾ ಬನಾತೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧಾರಣ ನೀ ಬನಾತೆ ಕೇಲೆ ಡಾಲೆಂಗೆ ಉಸ್ಮೇ ದಹಿ ಡಾಲೆಂಗೆ ಸಬ್ ಬನಾ ಬಹುತ್ ಬಡಿಯಾ ಬನಾತೆ ಫೇರ್ ಉಸ್ವ ಛಾನೆಂಗೆ ಪತ್ಲ ಪತ್ಲ ಬನ್ಸ ಪತ್ತೆ ಪೇ ಕೇಲೆ ಕೆ ಪತ್ತೆ ಪೇ ಇವು ಮಾರೆಂಗೆ ಉಸ್ ಮಸಾಲ ಆಟೆ ಉಸ್ಕೋ ಛೋಡೆಂಗೆ ಘೀ ಮೇ ಘೀ ಮೇ ತಲೆಂಗೆ ಫಿರ್ ತಲನೆ ಕೆ ಬಾದ ತಯಾರ ಹೋಗಿ ಉಸ್ಕೋ ಛಾಸನೆ ಮೇ ಡಾಲ್ ದೇಂಗೆ ಫೇರ್ ದೇಂಗೆ ಜಬ್ ದೇಂಗೆ ಉಸ ಭೀ ಥೋಡಾ ಉಪರ್ ಸೇ ಘೀ ಲಗಾ ಕರ್ಗೆ ದೇಂಗೆ. ಗುಡ್ ಕಿ ಚಾಸನಿ ಬನಾಂಗೆ ನಾ ಗುಡ್ ಕಿ ಚಾಸನಿ ಮಿಠಾ ಮಿಠಾ ಲಾನಾ ನಾ ಉಸ್ಮೇ ಗುಡ್ ಕಿ ಚಾಸನಿ ಬನಾತೆ ಚೀನಿ ನೀ ಡಾಲ್ತೆ ಗುಡ್ ಕೋ ಗಲಾ ದೋ ಪಾನಿ ಡಾಲ್ ದೋ ಉಬಾಲ್ ದೋ ಅಚ್ಚಿ ತರ ಸೇ ಉಸ ಭೀ ಕ್ಯಾ ಥೋಡಾ ದೂಧ ಡಾಲ್ತೆ ದೂಧ ಡಾಲ್ತೆ ಗುಡ್ ಮೇ ಕಚಡಾ ಹೇ ನಾ ಜೈಸೆ ಚೀನಿ ಕಿ ಕಚಡಾ ನಿಕಲ್ತಿ ಹೇ ಉಪರ್ ಸೇ ವೈಸೆ ಉಸ್ ಭೀ ನಿಕಲ್ ಜಾತಾ ಹೇ ತಯಾರ್ ಹೋಗೇ ಗುಡ್ ಕಿ ಚಾಸನಿ. ಗುಡ್ ಸೇ ಲಡ್ಡು ಡೋಡ್ ನೀ ಬನಾತೆ ಗೆ ಮೂಂಗ್ಫಲಿ ಕಾ ಭೀ ಜೋ ಟಿಕ್ಕಿಯಾ ಬನ್ತೆ ಸಬ್ ಕೈಸೆ ಬನ್ತೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಟೈಟ್ ಹೋತೆ ಪತ್ಲಾ ಬನಾವ ಉಸ್ಕೋ ಜಿತ್ರೆ ಪತ್ಲಾ ಬನಾವ್ ಟೈಟ್ ನೀ ಹೋಗ ಬನಾನೆಗೆ ಉಪ್ಪರ ನಿರ್ಪಾರ ನಾ ಆ ಚೀನಿ ಕಾ ಭೀ ದೇಖೋ ಉಸ್ ದಿವಾಲಿ ಗರ ನೀ ಬನಾತೆ ಚೀನಿ ಕಾ ಮಿಠಾಯಿ ಬನಾತೆ ಬತಾಸಿ ಕೇ ಸಾಥ ಬತ್ತಾ ಕೇ ಸಾಥ ಆತಾ ಹೇ ಚೀನಿ ಕೇ ಬನ್ತಾ ಹೇ ಕೇವಲ ಓ ಘೋಡಾ ಓಡಾ ಸಬ್ ಬನಾ ದೇತೆ ಹಾಂ ನೀ ಬತಾಸಾ ಅಲಗ ಹುವಾ ಅಲಗ
खिलौने टाइप बनते हैं, विष्णु भगवान सब भगवान बनाए थे खिलौने जैसे छोटे 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 चीनी के टाइट बिल्कुल, जैसे गुड़ का होता है वैसे चाशनी और बनाना और उसे सांचे में डाल के तैयार करने पर निर्भर है सब कुछ, कितना पानी डाल रहे हैं, कैसे पका रहे हैं, क्या डाल रहे हैं उस पर है। वटकेभ्य निर्वाच्य वटकेभ्य निर्वाच्य वटकिनी बनेगा, वटका प्रायेण अन्नम अस्यान इति वटकिनी पौर्णमासी। वटक किसको कहते हैं? बाटी को, जब बाटी नहीं बनाते हैं, राजस्थानी बाटी खाया कभी? बाफला, बाटी है अलग है बाफला, बाटी सूखी होती है, बाफला बहुत गर्म बहुत भारी होता है, बाफला बड़ा बड़ा भी होता है और वो घी में तल के बनाते हैं ना, वो बहुत गरिष्ठ हो जाता है, पूरा घी पीता है, बुरा हालत होता है, एक बाफला खाते हालत ख़राब हो जाएगा हम लोगों का, और राजस्थानी लोग चार चार छः छः खा जाते हैं, शरीर भी ऐसा होता है, अंदर भी बहुत सारा मसाला डाल देते हैं उसमें, अंदर डाल के पहले उसको पकाते, बाटी जैसे पकाया जाता है उसको, आग क्या कोयले की आग में अंदर रख करके पकाते, फिर घी में तल देते, और घी में तलने से भारी हो जाता है, लेकिन जैसे घरों में बनती है ना बढ़िया, वो ऐसे कहाँ बनेगा क्वालिटी, वो बन नहीं सकता। बाफला राजस्थानी प्रसिद्ध है, बाटी बिहारी में प्रसिद्ध है, ये ठंडी के दिनों में होते हैं, माघी पूर्णिमा में बाटी पूर्णिमा बोलते हैं इसको, लोग घर घर में बाटी बनाएंगे, छः महीने के अंतर में दो त्यौहार बड़ा विशेष होता है, एक अपूप का त्यौहार होता है, एक बाटी का त्यौहार होता है बिहार में। वटकिनी पौर्णिमा इत्यर्थः कुलमाशाद पंचम के एक वचन ही प्रथम एक वचन अब तक का ना रहा था निवृत्त हो गया, मैंने इसके अपवाद है, ये जो है अपवाद कर दिया आई ने कन को बाद दिया, कुलमाशा प्रायण अन्नम अस्यमिति कौलमाशी, कुलमाश कुत्सित माश है, प्रायण अन्न जिसमें ऐसा जो पूर्णिमा उसे कौलमाशी पूर्णिमा कहा जाता है, मैंने उड़द की चीज़ बनते ज़्यादा उसे तात्पर्य है, उड़द की चीज़ कब बनता है? हाँ ये बनता है आश्विन पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक, उड़द की चीज़ खिलाई जाती पितृपक्ष में, उड़द प्रिय माना जाता है पितरों को, उड़द का पकौड़ा बनाएंगे, उड़द के दाल के जो है क्या बोलते हो दक्षिण में वो दूसरे नाम से बनाते हो लोग, पकौड़ा नहीं बोलते उसको, कुछ और बोलते हैं, गोल गोल बनाते हैं बीच में एक छेद कर देते हैं, उसको तलते हैं तेल में, वो भी केले के पत्ते बनाते हैं, केले के पत्ते विशेषता केले के पत्ते में उसको बना के बनाना पड़ता है, बोंडा बोंडा कहते हैं उसको दक्षिण में, वो इसका भी होता है उड़द के बोंडा, अलग अलग आलू का बोंडा अलग अलग टाइप के बनते हैं, ये उड़द का बनता है, हर जगह अलग अलग नाम रखे हुए हैं। कुलमाश, ये कुलमाश कुलथ नहीं, कुलमाश मने उड़द थोड़ी हल्की क्वालिटी का उड़द को कुलमाश कहा जाता है, कुत्सित माशा है तो कुलमाशा, कुत्सित अर्थ में कुत्ता आदेश हो जाता है, जैसे कुपुरुषा बनता नहीं, कुत्सित पुरुष है कुपुरुषा, कुत्सित माशा है कुलमाशा, उसमें आते हैं ना आपके छांद के परिषद में उसे चाकरण के प्रकरण में, ये तो है कुलमाशान खादन, उसे चाकरण प्रकरण में आता है, वो झूठा उड़द खा रहा था, वो उड़द खा रहा था, कोई पुराना था थोड़ा ही था ज़्यादा नहीं था, वो डाल के भिगो कर रख दिया था रात में, उसको आदमी खा रहा है, वही नीच जात वाला झूठा हो गया उसको, और कहता है इससे अधिक है नहीं मेरे पास इतना ही है, ये तो झूठा हो गया मैं खा रहा हूँ, और तो कहे भाई प्राण तो बचे मेरा, इसे झूठा ही से झूठा ही दे दो, उसे ले लेता है और खा लेता है, और दो मुट्ठी खाने से उसका लगा हाँ वहाँ बच गए, फिर बाकी पत्नी के लिए ले जाता है, तब तो पत्नी खाई रहती दूसरे के घर में, वो भी बोलती है मैं खा चुकी हूँ, वो निकाल के ऐसे रख देती है, एक दूसरे का झूठा खाया और खुद का झूठा हो गया, उच्चिष्ट उच्चिष्ट डबल उच्चिष्ट हो गया, अगला दिन सवेरे फिर उस डबल उच्चिष्ट को खा के एक ही मंडप पहुँचता है, ऐसी कहानी आती छांद के परिषद उस चक्रायण की कहानी, उसे आपत धर्म कहते हैं, आपत काल में झूठा दिखाना भी दोष नहीं है, जल नहीं पिया इसीलिए
जल का हम कहीं जाके पी लेंगे। तो वहाँ पर आते कुलमाशान खादन, कुलमाश कहते उड़द उत्सित माश। नीचे दिया भी देखो, स्यादियावकस्त कुलमाश चणको हरिमंत कह इत्यमरह, अनेक अर्थ में प्रयोग किया उन्होंने। यावक कुलमाश कहते हैं यावक को, जौ से बना कोई पदार्थ विशेष को, अतः चने को, चने से बना हुआ चणक हरिमंथक अथवा मटर को, हरिमंथक कहते मटर, हरा मटर हम लोग खाते हैं उसको, इनके बने चीज़ों को भी कुलमाश सबसे कहते हैं, ऐसा हमारे कोशकार कहते हैं। श्रोत्रियंश छंदो अधीते, श्रोत्रियंश छंदो अधीते, श्रोत्रिय हर बनेगा, वायते निवृत्त है एक पक्ष में अण होकर के भी छांदसह रूप बनेगा, आई अण नहीं पुरुष आई आ रहा है ना, वा करने से एक पक्ष में आई होकर के छांदस रूप बनेगा। तो हुआ क्या है, छंदो अधीते, छंद मने वेद, वेद को पढ़ता है, इस अर्थ में छंदस शब्द को श्रोत्र आदेश हो गया, छंद शब्द को श्रोत्र आदेश हो गया, और अधीते अर्थ में घन प्रत्यय से श्रोत्रियन, यन बोले ना वो जान करके घन के बताने के लिए, ताकि आदिजात हो जाएगा नित्य होने से। तो ग हुआ, ग को यह आदेश श्रोत्र, यह आकार लोप श्रोत्रिय बन जाता है, आदिजात हो जाएगा नित्य होने से एक पक्ष में, और एक पक्ष में आई आगे पुरुष उत्साही हो गया, छंदो अधीते इस अर्थ में छंद शब्द से आई हो गया, आदि वृद्धि आकार मिला दो, छांदस स्वात्पत्ति छांदस अयम बालक श्रोत्रियो अयम बालक छांदसो अयम बालक प्रयोग हो जाएगा। श्राद्धम अनेन भुक्तम इनि ठणौ, श्राद्धम अनेन भुक्तम इनि ठणौ, श्राद्धम प्रथमैक वचनात्, अनेन भुक्त अनेन तृतीय वचनात्, भुक्तम प्रथमैक वचनात्, इनि ठणौ प्रथमागत द्विवचन। विग्रहवाक स्वयं सूत्र में बता दिया है, श्राद्धम अनेन भुक्तम, इसके द्वारा श्राद्ध भोजन खाया गया है, इस अर्थ में क्या होगा, प्राप्त करना जो अधिकार चल रहा था बाद दिया, इन्हें ठण हो गया। ग्रह श्राद्धी इन पक्ष में, और ठन पक्ष में श्राद्धि कह बनेगा। यहाँ देखिए टीका देखिए, ऐश्वल पद नीचे है नहीं, ऊपर का हम लोग पढ़ चुके थे, इसलिए देखिए तावत इतम ग्रहणमिति लुक्वा तावताम पूर्णमिति तावत इतम रूप बनता है, पूर्ण अर्थ में वतो रिथुक प्रत्यय हुआ है, तथा यथा तस्य प्रत्यम इत्यत्र तस्यति षष्ठंता नाम सामान्य निर्देश, तथा तर तावत इतमिति पूर्ण प्रत्यांता नाम सामान्य निर्देश। जैसे तस्य प्रत्यम सूत्र में तस्य से षष्ठन समर्थ बंत इस प्रकृति को बताने के लिए सामान्य निर्देश किया गया, उसर यहाँ पर भी तावितम जो है पूर्ण प्रत्यंतर प्रकृति को बताने के लिए सामान्य निर्देश किया गया है। अनंतरोपि ठक ठयो नानुवर्ते ते, ठक ठय पूर्व सूत्र में रहने के बावजूद भी उनकी अनुवृत्ति नहीं होगी। अस्वरितत्वाद इत प्रत्या कंस्यादिति, अस्वरित होने के नाते इस अभिप्राय से कह दिया कंस्याद कन प्रत्यय होता है। पूर्ण प्रत्यंस्यति न तो कनोलुक वाग्रहण आनर्थ के प्रसंगात, कन का लुक नहीं होगा नहीं तो वाग्रहण करना ही व्यर्थ हो जाएगा, ये पक्ष बचेगा ही नहीं, कन बचेगा ही नहीं, कन को भी लुक कर दोगे फिर कन का विधि करना ही व्यर्थ है, इसे कन का लुक नहीं होगा, केवल पूर्ण प्रत्यांत के विकल्प से लुक होगा। पंचमम पंचकम इत्यादि रूपमी तेन साध्यम, इसे दोनों रूप बन जाएंगे, पूर्ण प्रत्यांत भी बना रहेगा और इधर कन प्रत्यांत भी हो जाएगा। तच्च महाविभाषाधिकाराद विकल्पेन कन उत्पत्त्या अपि सिद्धमेव, यदि महाविभाषक अधिकार के कारण से विकल्प से कन की उत्पत्ति और रूप बनी जाता, तस्मात् पूर्ण प्रत्यय लुक् सूत्रकारस्य अभिमत इति व्याचष्टे, इसलिए पूर्ण प्रत्यय का ही लुक सूत्रकार के द्वारा अभिमत है, इस बात को मन में रखते हुए कह दिया विकल्प इत्यादि रूप बनाए। वार्तिककारस्तु कन एव लुक् इति व्याख्याय व्याख्याम अभिप्रेत्य, और वार्तिकार के कन का भी लुक है ऐसे व्याख्या मानते हैं। तावत इतम ग्रहणम इति लुक वा वचन अनर्थक्यम ये भाषा ग्रहण आदि त्या, और उन्होंने सूत्र के प्रत्याख्यान कर दिया, इसलिए वचन व्यर्थ है। तन्मते
द्वितीयकं द्वितीयम् इत्येव रूपं न तु द्विकम् इति. उनके मते द्वितीयकम् और द्वितीयम् ऐसा रूप बनेगा. कन का ही विधि विकल्प हो गया तब तो द्विकम् ये रूप बनेगा ही नहीं. तावति तेन इति पूर्ण प्रत्यांतात् ग्रहण उपाधिकात् स्वार्थे विधीयमानो ग्रहितरी न प्राप्नोति वचनम् इति कयटः. पूर्ण प्रत्यांत से ग्रहण उपाधिक वाले से स्वार्थ विधीयमान जो ग्रहितरी अर्थ में प्रत्यय प्राप्त नहीं होगा कि स्वार्थ हो रहा है ग्रहण अर्थ में, इसे ग्रहितरी में नहीं जाएगा वो. स येषां ग्रामणी ग्रामणीर नापिते पुंसी श्रेष्ठे ग्रामाधिपे त्रिषु इति अमर. ग्रामणी शब्द गाने करते हैं नापित अर्थ में भी है. नापित मैने नाई, जो नाई बाल बनाने वाला बार्बर उसको नापित कहते हैं संस्कृत, उसको भी ग्रामणी शब्द से कहा जाता है. वह ग्राम के सकल कर्म का नयन वही करता है ना. वो ब्राह्मणों का क्षत्रियों का वैश्यों का दाढ़ी मूछ न बनावे मुंडन न करें कर्मकांड कैसे होगा. पहले जमाने सब घर घर में कर्मकांड होता था ना. ब्राह्मण क्षेत्र में सब कर्म करते थे और कोई अपने से दाढ़ी मूछ नहीं करते थे. आजकल तो सब अपने आप जो बार बार बन गए हैं, सब नापित हो गए हैं, अपने आप कर नहीं सकते ब्राह्मण को विशेष तौर पर. क्षत्रिय भी कभी नियम था, वैश्यों में भी वो घर में आता था करके जाता था ना ही. हाँ उसका वृत्ति है, खुद कर रहे हैं छीन रहे हैं, जाके 10 रुपये देना ना पड़े खुद करने लग गए, कंजूस हो गए सब. वो भी क्या करे ऐसे अन्य अन्य काम करने लग गए, उनके नाई से काम तो चल नहीं रहा, दूसरे काम ले रहे हो भी. हर व्यक्ति की वृत्ति हालत खराब हो गई, पूरी समाज में व्यवस्था हो गई. पूजा पाठ भी वैसे ब्राह्मण आगे करते तब खुद करने लग गए, चाहे गलत सलत कर रहे हैं नहीं आ रहा है तो भी कुछ भी उठ पटांग बोल के कर रहे हैं, कहते तो चौपाई बोल के कर रहे हैं, जो आता है उसे बोल के कर रहे हैं, कुछ भी स्वाहा स्वाहा कर दिया हो गया पूजा पाठ खत्म, फल मिले ना मिले. बहुत कम जहाँ जरूरी बहुत देखते भाई शादी वादी है ऐसा कुछ है जरूरी है, अब मुर्दा जलाना है तो मजबूरी है, वो ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा, उसमें भी कंजूसी करने लगता है. अरे ब्राह्मण कि आप ऐसे हो इतने हैं परेशान है तुम इतना मांग रहे हो थोड़ा कम करो, उसके बाद कम करो बोलते रहे, और जीन्स पैंट खरीदने में कम करो नहीं बोलते. वहाँ इतने दुष्ट हो गए सब जनता, अब क्या करें. वो अलग ही ब्राह्मण होता है, उसी को बुलाना पड़ता है, खुद नहीं चलाएंगे ना मनमाने, उसको बुलाना पड़ता है. कुछ चीज़ अभी भी चल रहा है लेकिन आगे में वो भी बंद हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी. बिजली का लग जाएंगे सब जगह, ले जाओ बटन दबा दो अपने हाथ से जल के राखो गए छुट्टी ला चलो 5 मिनट में काम खत्म, कहा 2 घंटे दिमाग खराब होता. हाँ बहुत कम लोग कर रहे हैं, सब उसी तरह से ले जा रहे हैं बिजली वाले में. कुछ नहीं ऐसी बात, कुछ तो करे बेचारे, जला तो रहे हैं, लकड़ी तो खरीद रहे हैं, पंडित को बुला रहे हैं, उसे जैसो का मुंडन भी कर रहे हैं. देख रहे हैं आप यहाँ घाट पे गंगा जी में डुबकी लगाता ठंड में भी बेचारा कर तो रहा है कुछ ना कुछ. काल प्रयोजन आज तो इसलिए कह दिया सैषाम ग्रामीणी ही त्यमरहा ये था. करबा उष्ट्र बालक द्वितीय नीति यदि द्वितीय शब्द कालवाची न भवती तदापि अर्थ प्रकरणादिना वृत्ति विषय काले वर्तती इति भाव. तो अर्थ प्रकरणादि के वृत्ति विषय तक काल में उसको विद्यमान माना जाता है. ननु साक्षात कालवाचिप्यो मासादिप्यो न भवती. साक्षात कालवाचकों से आप दृष्टांत नहीं दे रहे हैं और द्वितीयादिप्यस्तु भवती और वो भी जो है पूर्ण प्रत्यांतों से आप कर रहे हो. इति किम मानम इति तत्राह उत्तर सूत्र संज्ञा अपकर्षण संज्ञा का अपकर्षण करने से या तो शब्द स्वाभ्याप्तवा इति तद्बोध्या इति वटकेभ्य इति कनी प्राप्ते वचना ननो संज्ञा ग्रहणात् कन न भविष्यति इति चेत् किंततः इनेर अप्राप्तत्वात् तदर्थम वचन अंगीकार्यमेव. इन अप्राप्त है इन्हीं अप्राप्त था तदवर्त्य वचन आरंभ करना जरूरी है. यदि कोई कहे अतः निठनो इत्येव कथम कथंचित इन्हीं सिद्ध्यति अदंत है ना वटक अदंत तत्वाद हो जाएगा, कथ ऐसा नहीं हो सकता इति आशा अत्र न कार्य. ऐसी आशा नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ एक वचन है जो निषेध करता है. सप्तमी अग्रवाक्य में अतः निठनो नहीं लगता. सप्तम्यांचन तौ स्मृतौ इति वचनात् क्योंकि वह आता ना मतु अर्थ में तदस्य अस्ति अस्मिन् इति मतु अस्य और अस्मिन् दो अर्थ में होता है षष्ठी और सप्तमी. लेकिन षष्ठी में ही इनिठनो होता है सप्तमी में नहीं होता. षष्ठी शब्द दोनों अर्थों में मतुप होगा. इन इनिठनो
केवल षष्ठ्यर्थ में होता है, सप्तम नहीं होता, ऐसा कह दिया गया है। इसे यहाँ तो सप्तम अर्थ है ना, तदस्मिन बोला है ना, तदस्मिन अन्नम प्राय संज्ञाया अस्मिन है, अतएव जो यहाँ पर प्राप्त नहीं है, अतः विशेष विधान वार्तिक के द्वारा किया गया है। श्रोत्रियं छंदो, यश छंदो अधीते स श्रोत्रियो भवति, जो वेदों को पढ़ता है वह श्रोत्रिय होता है। अत्र भाष्ये छंदोदिते इत्यस्य वाक्यस्य अर्थे श्रोत्रियन इत्येतत् पदम निपात्यते, श्रोत्रियन पद को निपातन से कर डालो, आदेश मत करो, घन प्रत्यय मत करो, कुछ मत करो, व्युत्पत्ति मत करो, ऐसे एक पक्ष कहा गया है। इति वाक्यार्थे पदवचन पक्ष, वाक्यार्थ में साक्षात पद का निपातन से वचन का पक्ष ले लिया। दूसरे में गति नहीं, छंदोसवा श्रोत्र भाव निपात्यते, छंद शब्द को श्रोत्र भाव निपातन से कह दिया, और तदीते तस्मिन्नर्थे उस अर्थ में घंश्च प्रत्यय, थोड़ा गलत छपी है, घंश्च प्रत्यय इति पक्षांतर चतम, यह पक्षांतर भी भाषा में स्थित है। व्याख्यातंच कयटेन, और इस बात को कयट के व्याख्यान किया गया, वाक्यार्थस्य संबंध रूपस्य क्रिया रूपस्य वा असत्व रूपत्वात्, कि जो वाक्यार्थ है न संबंध रूप है व न क्रिया रूप है, ये तो द्रव्य रूप है ना, वस्तु रूप है, व्यक्ति है ना जो पढ़ रहा है। श्रोत्र शब्द से च सत्रूपार्थ अभिधायित्वाद वाक्यार्थ ग्रहणेन तदाश्र छंदो अध्यायी अभिधीयते, इसे उन्होंने कहा श्रोत्र शब्द सत्रूप अर्थ अभिधायक होने से हमेशा उसका सत्व का आश्रयभूता जो व्यक्ति है, छंद का पढ़ने वाला अध्यायी, उसको कथन करता है। एकाम शाखाम अधीत्य श्रोत्रियो भवदीति धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र भी कहता है अपनी एक शाखा पढ़ लो तो भी आप श्रोत्रिय हो जाओगे। इसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, कम से अपने अपनी शाखा तो पढ़ना चाहिए, जो अपने आप को बोर्ड लगा रहा है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, कैसे बोर्ड लगा देते हैं, हर आदमी लगा रहा है आजकल, अब परमात्मा है जिसके पास पैसा है वो लग देता है, डाल देता है, सो पता ही नहीं भाई, आप अपनी शाखा का नाम भी नहीं जानते तो शाखा पढ़ेंगे कहाँ से, हो लिख कैसे सकते हैं, कहाँ से अपने अपनी शाखा है जो पढ़ने पढ़ रहे हैं ब्राह्मण लोग, मालूम नहीं, बात अलग चीज़ है, आपको आपके क्षेत्र में प्रसिद्धि नहीं, लेकिन आपके क्षेत्र के भी जो अच्छे ब्राह्मण होंगे उनसे पूछिए, जानते हो उनका वेद, हो जानते हैं उनकी शाखा, हो जानते हैं उनका सूत्र ग्रंथ, हो जानते हैं उनके प्रवर, हो जानते हैं, से जहाँ है वहाँ है ही, अभी भी मानने वाले मान रहे सब प्रवर है ही है। लोग तो यहाँ भी जो वेद पाठी लोग हैं वो तो जानते हैं, शुक्ल यजुर्वेद माध्यम शाखा बोलते तो हैं, बाकी नहीं जानते, भले आपके सूत्र ग्रंथ क्या है पता नहीं, आप कौन से प्रवर के हैं पता नहीं, ये सब मालूम नहीं, पता लगे कहीं गोत्र तक मालूम नहीं है, लेकिन ये सब मालूम होना चाहिए, अपनी पोल पट्टी तो कम से जानो, अपना बात खुद के बारे में कहाँ भगवान ने पैदा कर दिया, क्यों पैदा कर दिया पता नहीं, जानना तो चाहिए, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, कहीं भी हो अपना कुल वंश आदि के बारे में कम से कम जानकारी रखना चाहिए। तावतीतम ग्रहणम इति लुग्वा इत्येता श्राद्धम अनेन श्राद्धम अस्मिन् अस्ति इति श्राद्धम प्रज्ञा श्रद्धाचार्याभ्यो न यद्यपि पितृं कर्म श्राद्ध शब्देन उच्यते, पितृकर्म को श्राद्ध शब्द कहा था, तथापि यह तत्साधन द्रव्यम उच्यते, फिर यह साधन पद द्रव्य को कहा गया, मुख्य श्राद्ध से भोक्तुम अशक्यत्वात्, जो मुख्य श्राद्ध है द्रव्य वो क्या है पिंड, वो तो खाया नहीं जाता, तो वो तो भोक्तुम अशक्यत्वात्, इसे अन्य सामग्री ले लेना, अन्य जो भोजन है उसको श्राद्ध भोजन कहा जाएगा, जो लोग खिलाते हैं श्राद्धे श्राद्ध के थी आदित्य ने यह विषय थे अद्य भुगते श्वास श्राद्ध के थी माँ भूत, आज खाया हुआ और कल जो है श्राद्ध नहीं हो जाएगा, आज श्राद्ध भोजन गए आज उसको श्राद्ध कहा जाएगा, कल नहीं हो रहेगा श्राद्ध को, वो शुद्ध हो जाएगा।